तुम मेरे बच्चे को हमेशा कोसा करती थी, अब देखो तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। एक जंगल में चिंकी और रेनू नाम की दो हिरनी रहा करती थीं। चिंकी हिरनी एक पैर से अपाहिज थी और रेनू एकदम हृष्ट पुष्ट थी। रेनू, मैंने सुना है तुम भी मेरी तरह माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुमको बधाई देने के लिए आई थी। साथ ही मैं गणेश जी से प्रार्थना भी करूँगी कि हम दोनों को वो एकदम तंदुरुस्त बच्चा दें। चिंकी, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। तुम एक अपाहिज हिरनी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा परछावा मेरी होने वाली औलाद पर पड़े, इसलिए जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम मुझसे मिलने यहाँ नहीं आना। मुझे दुआओं की कोई जरूरत नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, बस तुम मुझसे कोसों दूर रहा करो। ये सुनकर चिंकी अपना सा मुँह लेकर वहां से चली आई। अभी कुछ ही दिनों के बाद चिंकी को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई। आ गया मेरा लाला इस दुनिया में, अब मुझे भी सहारा लगाने वाला मिल गया। गणेश जी, आपका लाख लाख शुक्र है। चिंकी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, किसी का बुरा नहीं चाहती, इसलिए गणेश जी ने तुमको इतनी तंदुरुस्त औलाद दी है। मैं इसका नाम चिंटू रखूंगी। सभी जानवर ये देखकर खुश हुए कि कुछ ही घंटों पहले पैदा हुआ चिंटू अपने पैरों पर भागने दौड़ने लगा। ये खुशी पाकर चिंकी को बहुत अच्छा लगा। वो अपने गणेश जी के मंदिर गई और उनका खूब शुक्रिया अदा किया। अब सभी जानवर रेनू हिरनी के पास पहुंचे। रेनू हिरनी, चिंकी हिरनी को तो एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ है, बेचारी बहुत खुश है, तुम उसको बधाई देने नहीं जाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उस अपाहिज का परछावा मेरे होने वाले बच्चे पर पड़ जाए। भगवान से डरो रेनू। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बच्चा चाहे कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो दौड़ में उसके बच्चे को हमेशा पीछे छोड़ दिया करेगा। अगले दिन रेनू को भी एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी खुशी का भी अब ठिकाना नहीं था। सभी जानवर इकट्ठा होकर उसके पास पहुंचे। देखा जानवरों, मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा चिंकी के बच्चे से तंदुरुस्त पैदा होगा और दौड़ में उसको हमेशा पीछे छोड़ दिया करेगा। हाँ, हमें खुशी है कि तुमको एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ। मैं इसका नाम रिंकू रखती हूँ। चलो रिंकू, खड़े हो जाओ और इन सभी को दौड़ कर दिखाओ। उसके कई बार कहने पर रिंकू खड़ा हो गया। ये देखकर सभी को बड़ी हैरानी हुई कि रिंकू एक पैर से अपाहिज था, उसका एक पैर हवा में था और वो तीन पैरों के सहारे बड़ी देर देर में चल रहा था। ये सब उस अपाहिज चिंकी की वजह से हुआ है, मैंने उसको कहा था कि मेरे पास ना आया करे, उसी के परछावे की वजह से मेरा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो जो बच्चा चिंकी को पैदा हुआ है वो ठीक ठाक कैसे है, उस पर चिंकी का परछावा क्यों नहीं पड़ा? भगवान ने तुमको ये सबक दिया है कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन गुजरे और दोनों बच्चे अब बोलना भी अच्छे से सीख गए। चिंटू दौड़ में इतना तेज था कि जंगल के सारे हिरनों को हरा दिया करता था और रिंकू जो कि अपाहिज था वो किसी कछुए की चाल चला करता था। ये देखकर रेनू को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। एक दिन सभी जानवर जंगल के बड़े वाले मैदान में खेल रहे थे, तभी एक शिकारी वहां आया। उसने चुपके से अपनी बंदूक उठाई और रिंकू पर निशाना लगाया। सभी जानवर अब वहां से भागने लगे। रेनू भी अपने बच्चे के पास पहुंची। रिंकू, जल्दी भागो वरना वो शिकारी तुम्हें मार देगा। चिंकी और उसका बच्चा चिंटू शिकारी की पहुँच से बहुत दूर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिंकू की जान खतरे में है तो चिंटू रिंकू को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। शिकारी ने एक पर गोली चलाई, तभी रिंकू के सामने चिंटू आ गया और गोली उसको लग गई। आ! चिंटू के पेट से खून निकलने लगा। मैंने शिकार कर ही लिया। तभी एक हाथी वहां आया और उसने एक ही टक्कर एक पेड़ को ऐसी मारी कि वो पेड़ शिकारी के ऊपर गिर गया।
ये देखकर अब सभी जानवर चिंटू के पास जमा हो गए। तुम मेरे बच्चे को हमेशा कोसा करती थी, अब देखो तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। चिंकी, जरा इधर देखो, क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? ये सुनकर सभी ने उस हाथी की तरफ देखा जिसने पेड़ गिराकर शिकारी को दबा दिया था। उसके चारों ओर से रोशनी निकल रही थी। ये देखकर सभी समझ गए कि वो गणेश जी ही है और सभी अपने घुटनों पर आ गए। गणेश जी, आपको सादर प्रणाम। मैं कैसे आपको पहचान नहीं पाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये सब मैंने रेनू को सबक सिखाने के लिए किया था। कहो रेनू, अब तुम क्या कहना चाहती हो? ये देखकर रेनू की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। गणेश जी, मैंने चिंकी को मनहूस समझा था, इसको अपाहिज कहकर इसकी हमेशा बेइज्जती की थी। शायद इसीलिए तुमने मुझे अपाहिज औलाद दी, लेकिन फिर भी मेरी आंख नहीं खुली। लेकिन आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, जिस बच्चे को मैं कोसा करती थी आज उसी ने अपनी जान देकर मेरे अपाहिज बच्चे की जान बचाई। मुझे माफ कर दो चिंकी हिरनी। तुमको तो सबक मिल गया, लेकिन मेरा चिंटू अब वापस नहीं आ सकता, मैं तो फिर से अकेली रह गई। चिंकी, तुम मेरे सच्ची भक्त हो, भला मैं तुमको बेऔलाद का दुख कैसे दे सकता हूँ? ये सुनकर सभी गणेश जी की ओर देखने लगे। उनकी आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली जो कि रिंकू, चिंटू और चिंकी तीनों पर पड़ी। चिंकी और रिंकू का पैर ठीक हो गया और फिर चिंटू भी जीवित हो उठा। ये देखकर उन सभी की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने वापस गणेश जी की तरफ देखा तो वो गायब हो चुके थे। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने गणेश जी की उपासना शुरू कर दी। चिंकी अब बहुत खुश थी कि उसके बेटे को जीवित करने के साथ साथ उसकी अपाहिजगी भी दूर हो गई। वहीं रेनू हिरनी भी बहुत खुश थी कि उसका बेटा भी अब अपाहिज नहीं रहा था। लेकिन आज भी जब वो दोनों दौड़ लगाते हैं तो चिंटू रिंकू को पीछे छोड़ देता है, लेकिन इस बात का रेनू को जरा भी बुरा नहीं लगता और वो हमेशा अब चिंकी हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार करती है। हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा? ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर सुबह होते ही सैर को निकलते थे। सिर्फ बेचारा एक सारस ही था जो अपने टूटे पंख की वजह से कहीं नहीं जा पाता था। एक दिन जब सभी जानवर इकट्ठा होकर मिंकू खरगोश के पास पहुंचे तो वो अपने बिल के सामने वाली जमीन पर सफाई करते हुए नजर आया। अरे मिंकू, तुम इतनी सफाई करने में क्यों लगे हो? आज घूमने नहीं चलना क्या? नहीं रामू, आज मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ आकर अपने परिवार को ही भूल गया, लेकिन अब मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। वो सभी मेरे साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले ही हमारे खाने पीने का इंतजाम कर डालूं। तो तुम इस जमीन की सफाई उनके लिए कर रहे हो क्या? हाँ, मैं जमीन की सफाई करके यहाँ गाजरों की खेती करूँगा। ऐसा करने से मुझे मेरे परिवार को आगे खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिन बाद से तुम्हारे साथ चला करूँगा। लेकिन तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ कोई तो होना चाहिए। ये कहकर रामू हाथी ने सारस से कहा। सारस, तुम यहाँ मिंकू से बोलते बतियाते रहना, इससे इसका मन भी लगा रहेगा। हम लोग चलते हैं। कहकर वो सभी वहाँ से चले गए। अब मिंकू खरगोश ने सारस से बातें करते करते खेती का काम जारी रखा। इससे उन दोनों को जरा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। पहले सफाई की, फिर जुताई की और फिर बीज बोते बोते शाम हो गई। सारस भाई, मैंने इसकी जुताई तो कर दी है, लेकिन मुझे आज शाम ही निकलना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे वापस आने तक इतने दिनों तक मेरे खेतों का ध्यान कौन रखा करेगा। मेरे पास कोई काम तो है नहीं मिंकू, इसका ध्यान मैं रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने परिवार को लेने जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारस भाई। ऐसा कहकर मिंकू खरगोश उसी वक्त वहाँ से निकल गया।
सारा सभी बैठा हुआ खेत की रखवाली कर ही रहा था कि जमीन में जोरों की गर्जन होने लगी। उसने देखा कि सामने से दो गजराज भागते हुए आ रहे थे। रुक जाओ, तुम लोग इस जमीन की तरफ मत जाओ। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और दोनों जमीन पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगे। यले, तू यले। दोनों लड़ते झगड़ते वहां से आगे की तरफ भाग निकले। सारस ने देखा कि जितने भी बीज बोए गए थे सभी जमीन से ऊपर आ चुके थे। फसल उगने से पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा मिंकू इतनी मेहनत करने के बाद मेरे भरोसे अपने बगीचे को छोड़कर गया था। अब वो वापस आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सारस ने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठे हुए उसी को देखे जा रही है। अब बाकी जानवर भी वापस आ चुके थे। उन्होंने जमीन को खराब हुए देखा तो सारस ने उनको सब कुछ कह सुनाया। ये तो गजराज ने बहुत गलत किया। सारस, काश हम होते तो उन दोनों को अच्छी सजा देते। सजा देने से कोई फायदा नहीं होता, इनकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं ही इस खेत की जुताई करूंगा। उसका ये साहस देखकर सभी जानवर हैरान थे। अगली सुबह सारस सबसे पहले मिंकू के बिल के पास गया। वहाँ उसको नजर आया कि बीज काफी अच्छी मात्रा में है। उसने पहले जमीन की अच्छे से सफाई की और फिर अपने टूटे हुए पंख की मदद से ही बीजों को बोने के लिए जुताई करने लगा। सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते लेकिन उसने पूरे दो दिन जुताई में ही लगा दिए। फिर उसने बीजों को बो डाला। अब उसने चैन की सांस ली और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगा। कुछ दिन बाद जब मिंकू वापस आएगा तब तक ये बगीचा गाजरों से भर चुका होगा। कई दिन गुजर गए और बगीचे में फसल भी उगने लगी लेकिन शाम होने पर जमीन में फिर से एक गर्जन शुरू हुई। अरे बाप रे, कहीं ये फिर से फसल खराब ना कर दे। वो जमीन के सामने खड़ा हो गया लेकिन गजराज फिर से अंधों की तरह आए और जमीन पर आकर लड़ने लगे। आज तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। कुछ ही मिनटों में फसल खराब करके वो वहाँ से भाग निकले। अब सारस वहीं बैठा आंसू बहाने लगा। फिर से वहाँ जानवरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब तो हद हो गई, हम इन दोनों को अब नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने जंगल के राजा शेरू को बुलाकर सब कुछ बताया। मैं उन दोनों को अभी इसी वक्त सजा सुनाता हूँ। शेरू उन दोनों की गुफा पर पहुँचा और दोनों को 10 दिन के लिए जंगल से निकाल दिया। लेकिन अभी सारस की परेशानी दूर नहीं हुई थी। सुबह मिंकू आने वाला था। वो यही सोच रहा था कि आखिर मिंकू को वो क्या जवाब देगा। रात होने पर सब सो चुके थे लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जमीन के पास बैठा हुआ सोच में डूबा था। तभी उसने देखा कि जो चिड़िया इतने दिनों से उसको पेड़ पर बैठे हुए देख रही थी वो उसके पास आकर बैठ गई। प्यारी चिड़िया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सारस, तुम कैसे हो? अरे तुम तो बोल सकती हो, फिर तुमने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं इस जंगल से नहीं हूँ सारस, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। काफी दिनों से मैं तुम पर नजर रखे हुए थी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिल, तुम्हारी दयालुता को देख रही थी। एक पंख से अपाहिज होने के बावजूद जितनी हिम्मत और दरिया दली तुमने दिखाई है शायद ही कोई ऐसा कर पाता। हाँ लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस बगीचे के चक्कर काटने लगी। 3 चक्कर काटने के बाद ऐसा जादू हुआ जिसकी सारस ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन अपने आप साफ हो गई और उस पर पहले से भी ज्यादा गाजरे उगाई। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बगीचा बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। अभी से धन्यवाद नहीं, अभी एक काम और बाकी है। कैसा काम?
ये सुनकर चिड़िया ने सारस के सर पर भी 3 चक्कर लगाए और फिर आसमान में उड़ गई। आखिर ये किस काम के बारे में बोल रही थी? सारस ने गौर किया तो उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने पंख फड़फड़ाए तो वो हवा में ऊपर उठने लगा। अरे वाह, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। वो खुशी से फूला नहीं समाया। अगली सुबह जब मिंकू खरगोश अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा तो उसके साथ साथ ही बाकी जानवर भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बगीचा एकदम हरा भरा है और सारस भी बिल्कुल ठीक हो गया है तो वो सभी हैरान रह गए। फिर सारस ने उनको सब कुछ बता दिया तो सभी जानवर खुश हो गए। मेरे भाई सारस, तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जितनी मुसीबतें उठाई उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। वो तो मेरा फर्ज था मेरे भाई, तुम्हारे इस बगीचे की वजह से ही मेरा पंख भी ठीक हो पाया है, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। कहकर वो खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा और बाकी सभी जानवर भी खुशी से उछल पड़े। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता।